किसान मोर्चा की अगुवाई में किसान आज चंडीगढ़ में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और इसके लिए किसानों के जत्थे मोहाली के श्री गुरुद्वारा अंब साहिब में इकट्ठा होंगे और वहां पर किसान नेता राकेश टिकैत समेत कुछ अन्य नेता पहुंच रहे हैं और फिर मीटिंग की जाएगी। फिलहाल अपडेट ये है कि ये सभी नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि किसानों का मोहाली से चंडीगढ़ में गवर्नर हाउस तक मार्च निकालने का कार्यक्रम, जिसके लिए प्रशासन से सहमति नहीं मिली है। पंजाब भर से किसानों के जत्थे ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि किसान आंदोलन समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे की मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई और इसी के चलते किसान नेता अब सरकार से काफी नाराज चल रहे हैं। तो पंजाब भर से किसानों के जत्थों ने कूच कर दिया है। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा का आज ट्रैक्टर मार्च है। सभी बड़े चेहरे जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल है, ये पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद ये ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इन किसानों की कुछ प्रमुख मांगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि एमएसपी पर कमेटी बनाएंगे। इन किसानों का कहना है कि इतने महीने बीत चुके हैं लेकिन इस फैसले पर कोई अमल नहीं हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि एमएसपी पर कमेटी बनेगी और उसमें जो प्रतिनिधि हैं किसान संगठनों के वो शामिल होंगे, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ है उस पर। इसको लेकर ये किसान संगठन नाराज हैं। इसके अलावा लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री को अभी तक हटाया नहीं गया, उनके बेटे को भी जमानत मिल चुकी है और साथ ही साथ उस पूरे मामले में जो गवाह बने थे किसान, उनको भी धमकाया गया। इस मामले को लेकर भी किसान संगठनों में आक्रोश है। साथ ही साथ इन किसान संगठनों का यह भी कहना है कि पंजाब के स्कूल शिक्षा बोर्ड में सिख इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है, इसको लेकर विरोध हुआ है लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसको लेकर भी ये तमाम किसान नेता आक्रोशित हैं और यही वजह है कि ये मार्च निकाला जा रहा है। साथ ही साथ भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को तोड़ा जा रहा है। पहले चेयरमैन पंजाब और मेंबर हरियाणा से होते थे, अब किसानों का ये कहना है, इन किसान नेताओं का ये कहना है कि केंद्र सबके अधिकार छीन रही है। वहां डैमो पर पंजाब की सिक्योरिटी होती थी लेकिन अब सब केंद्र के हाथों में जा रहा है और इसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन, ये मार्च निकाला जा रहा है। संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक बार फिर से किसान संगठनों में उबाल है, विस्तार से जानकारी दे, क्या तस्वीरें बन रही है इस वक्त? कई मसले ऐसे हैं जिनको लेकर आक्रोशित हैं किसान। की बात की जाए तो आज किसान जो है, आज 25 मार्च है और किसान जो है मोहाली में महापंचायत जो है करने वाले हैं और मोहाली से ट्रैक्टर मार्च किसानों की ओर से निकाला जाने वाला है। फिलहाल की बात करें तो किसान मोहाली का जो गुरुद्वारा अंब साहिब है वहाँ एकत्रित हो रहे हैं, बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हो रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान जो है बड़ी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो पीबीएमपी को जिस तरह से अपने आधिकारिक क्षेत्र में लिया है केंद्र ने, इसको लेकर नाराजगी है किसानों ने। इससे पहले भी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की कोशिश जो है किसान संगठनों की ओर से की गई थी लेकिन ज्ञापन जो है राज्यपाल से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, क्योंकि समय लेकर जो है राज्यपाल के पास नहीं आए थे किसान संगठन और बाहर राजपाल राजभवन के बाहर ही कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो जाहिर की गई थी किसान संगठनों की ओर से। और 25 मार्च को जो है महापंचायत करने का फैसला लिया गया था मोहाली में, आज महापंचायत जो है मोहाली में करने जा रहे हैं किसान संगठन। ट्रैक्टर मार्च उसके बाद जो है निकाला जाएगा और चंडीगढ़ की ओर कूच किया जाएगा। माना जा रहा है कि 12:30 तक जो है, हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं चंडीगढ़ की ओर जाते रास्तों को जो है, चंडीगढ़ पुलिस की ओर से सील के चंडीगढ़ और मोहाली पुलिस की ओर से जो है सील किया गया है। और ये माना जा रहा है कि कुछ किसानों को जो है, किसान नेताओं को जो है राज्यपाल के पास ले जा सकता है जिस पर वो राज्यपाल को ज्ञापन सौंप सकते हैं अपनी मांगों को लेकर। जी दीपक, जिस तरह से आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि तमाम किसान संगठनों ने यही कहा था कि इस वक्त तो हम आप दिल्ली का बॉर्डर खाली कर रहे हैं, तमाम जगहों का बॉर्डर खाली कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी मांगे समय से पूरी नहीं की गई तो वापस हमारा मोर्चा दिल्ली की तरफ कूच करेगा। यानी आप देखिए एक बार फिर से, कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन उसी राह पर आगे बढ़े, क्योंकि अभी इस आक्रोश को शांत करना होगा पहले ही पड़ाव पर, वरना हाल वैसा ही होगा जैसा कुछ दिनों पहले दिल्ली बॉर्डर पर देखने को मिला था। तकरीबन साल भर तक किसान डटे रहे थे। जी बिल्कुल, किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया था 3 कृषि कानूनों को लेकर और उसके बाद अब जो है पंजाब से जुड़े मुद्दे, हरियाणा से जुड़े मुद्दे हैं,
सिख इतिहास से जुड़े मुद्दे को लेकर बलदेव सिरसा जो किसान नेता है पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, पंजाब एक्शन बोर्ड के बाहर जो है वो धरना दे रहे हैं। चंडीगढ़ का मुद्दा है, पीपीएमपी को केंद्र के क्षेत्र में लेने का मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर किसान कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और संघर्ष की चेतावनी जो है दी जा रही है। इससे पहले जैसे मैंने पहले बताया कि राजभवन में किसान जो है मिलने गए थे, लेकिन मुलाकात का समय जो है राज्यपाल की ओर से नहीं दिया गया था। आज जो है किसान हरियाणा और पंजाब के किसान जो है वो पंजाब और हरियाणा के राज्यपालों को जो है अपने ज्ञापन सौंप सकते हैं और इन मांगों को जो है ज्ञापन के जरिए राज्यपाल के समक्ष रख सकते हैं, और अगर कहीं उनके मांगे जो है नहीं मानी जाती तो निश्चित तौर पर संघर्ष आगे जो है तेज हो सकता है। दीपक, आप इस वक्त किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या बड़ी तादाद में किसान वहां पर जुट रहे हैं? क्योंकि जानकारी यही कि जो बड़े किसान नेता हैं, बड़े चेहरे हैं इस आंदोलन से जुड़े हुए और साथ ही साथ संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए, वो पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, हालांकि इस जो महापंचायत से जो है जिन किसान नेताओं ने जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी, जो राजनीति में जो किसान नेता है थे उनको दूर रखने की बात की जा रही थी, हालांकि देखना होगा कि वो किसान नेता यहाँ पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो बड़ी संख्या में किसान जो है मोहाली के गुरुद्वारा अमसा में इकट्ठा होना जो है शुरू हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के जो शिकायत है वो खुद यहाँ पहुंच रहे हैं, जहां तक जानकारी मिल रही है। जो महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय किसान यूनियन के युद्धवीर सिंह, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, पंजाब से कई किसान नेता जो है यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार किसानों को एकत्रित होना जो है जारी है मोहाली के गुरुद्वारा अमसा में, और थोड़ी ही देर में जो है महाकिसान महापंचायत जो है मोहाली में होने वाली है, जिसके बाद ट्रैक्टर मार्च जो है वो निकाला जाएगा जो चंडीगढ़ की ओर कूच करेगा। दीपक, बीबीएमबी को लेकर भी खासी अब नाराजगी है, क्योंकि आपने देखा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजिंग बोर्ड जिस तरीके से पिछले दिनों उसके सदस्य नियुक्त किए गए, पंजाब हरियाणा में पहले नियुक्त किए जाते थे उस कैडर से, अब उसके बाहर से आने लगे हैं, इसको लेकर भी आक्रोश है और ये आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर किसान। जी बिल्कुल, मुख्यतः जो जिस तरह से केंद्र ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की जा रही है किसान नेताओं की ओर से। और पंजाब की अगर राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें तो पंजाब की राजनीतिक पार्टियां भी जो है इसका विरोध जता चुकी हैं, जिस तरह से बीबीएमबी को जो है केंद्र ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है, पंजाब और हरियाणा का अधिकार क्षेत्र इसमें जो है खत्म किया है, सदस्यता खत्म किया, उसको लेकर जो है चाहे पंजाब कांग्रेस की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो, तमाम राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं इसका विरोध जो है वो जता चुकी है और किसान भी लगातार इसका जो है विरोध करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने गए थे, लेकिन आज महापंचायत के जरिए जो है इसका विरोध जो है किसान करने वाले हैं। चलिए दीपक, शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से उन्होंने जानकारी दी है। संयुक्त किसान मोर्चा आज ट्रैक्टर मार्च निकालेगा, इसके अलावा तमाम किसान नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक है चंडीगढ़ में। जिस तरह से केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद अभी तक चीजों में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है उसको लेकर किसान खासे आक्रोशित हैं। कई ऐसे पॉइंट है जिसकी जानकारी हमने आपको बताई है, जैसे प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी कि एमएसपी पर कमेटी बनाई जाएगी जिसमें किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे, उस पर फिलहाल कोई काम नहीं हुआ, इसको लेकर ये तमाम किसान जो नेता हैं और संयुक्त किसान मोर्चा है वो आक्रोशित हैं। किसान मोर्चे शामिल पंजाब हरियाणा के जथेबंदियों दे इकट्ठ किया जा रहा है अंब साहब मोहाली दे विच, जिहड़ा केंद्र सरकार वालों जिहड़े साडे डैम ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड आ उहदी जिहड़ी शर्तियां नुमाइंदगी सी पंजाब हरियाणा की खत्म कर दित्ती और उत्थे फोर्स भी अपनी ला दित्ती, यानी एक तरह डैम खोह लैणे पंजाब सरकार तों जां पंजाब दे लोकां तों, तां इह सिद्धा सिद्धा राजां दे अधिकारां दे डाका और साडा पाणी साडी बिजली साडे तों खोहिया जा रिहा। सो इहदे रोस वजों असीं अंब साहिब इकट्ठे हो के पंजाब हरियाणा दे जथेबंदियां चंडीगढ़ वल नूं मार्च करके मंग पत्र देना पंजाब ते हरियाणा दे गवर्नर नूं और मंग करनी कि सरकार साडे नाल मीटिंगां करके साडे सारे मसलियां दा हल करे। इस तों इलावा जिहड़ियां साडियां अंदोलन दौरान रहिंदियां मंगां ने एम एस पी दी है, केस वापसी दी है, कंपनसेशन दीआं मंगां ने, और नाल जिहड़ा साडे पंजाब स्कूल एजुकेशन सिक्ख्या बोर्ड दीआं किताबां दे विच जिहड़ा सिख इतिहास नाल छेड़छाड़ कीती गई, तमाम मंगां नूं लै के अज जिहड़ा रोस प्रदर्शन कर रहे हैं। टाइम के संबंध के जिहड़े पंजाब के हक जिहड़े खोए जा रहे हैं उहनूं असीं जिहड़ा आणे आ भी केंद्र सरकार है जिहड़ी उहदे तों बाज आवे। दूसरी गल भी जिहड़ा साडे नाल समझौता होया सी उत्थों दिल्ली जदों असीं आए हाँ वापस, जदों काले कानून उन्होंने वापस लए ने
तो नाल ही जिहड़ा उन्होंने आख्या जो भी साडे पुलिस केस बने हुए ने अपने साडे आगू साथियों से किसी भी स्टेट के वापस ले जाएंगे नाल जिहड़ा एम एस पी की जिहड़ी कमेटी बना के जिहड़ा वो सानू रेट देना सी वो भी हाले विच अधूरा है जां जिहड़ा कोई एक्ट बिजली का सी जां पराली साड़न वाला सी वो सारे जिहड़ियां साडियां मंगां उसी ने जिहड़े साडे